HDFC की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, अब गुम हो गई है, फोन में ही बैकअप में नहीं मिल रही है, टेंशन मत लो, एक मिनट के अंदर पॉलिसी दोबारा डाउनलोड हो जाएगी। दो तीन बेसिक डिटेल आपके पास होनी चाहिए, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर वो कोई मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो, उसके साथ में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो पॉलिसी के अंदर मोबाइल दिया गया है वो, और उसके साथ में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यानी जो पॉलिसी में ईमेल आईडी मेंशन की हुई है। अगर ये तीन बेसिक डिटेल्स आपके पास हैं तो एक चुटकी के अंदर आपकी पॉलिसी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। कैसे होगी वो तरीके मैं आपको बताऊंगा। आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी इसे डाउनलोड कर पाएंगे और व्हाट्सएप से डाउनलोड करने का तरीका भी मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखते हैं कैसे डाउनलोड करें HDFC अर्गो की इंश्योरेंस पॉलिसी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके दोस्तों आप HDFC अर्गो की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहां पे ऊपर राइट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है हेल्प का, जिस पे ये हेडफोन बने हुए हैं, इसको हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमें सर्विस ऑप्शन में ले जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज के ऑप्शन है लेकिन हमें तो पॉलिसी कॉपी चाहिए, तो ईमेल पॉलिसी कॉपी पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास तीन ऑप्शंस यहाँ पे ये दिखाएगा। पहला है पॉलिसी नंबर से हम पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, और तीसरा रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले हम पॉलिसी नंबर से देखेंगे। यहाँ पे पॉलिसी नंबर हम अपनी पॉलिसी का डाल देते हैं। तो पॉलिसी नंबर डालने के बाद हमें क्लिक करना है कंटिन्यू के ऊपर। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं ये प्रोसेस करेगा और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी इन्होंने भेजा है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिखा रहा है जो पॉलिसी में दिया गया है और ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिखा गया है। दोनों पे जहाँ से भी ओटीपी आपको मिलता है वहाँ से लेके इसे यहाँ डाल देंगे और क्लिक करेंगे वेरीफाई के ऊपर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये पॉलिसी नंबर जो हमने शुरू में डाला था वो यहाँ पे हमें मिल गया है। ये देखिए ये पॉलिसी नंबर दिखा रहा है, साथ में स्टार्ट डेट है और इसके साथ साथ पॉलिसी की एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे दिखा रहा है। पॉलिसी ईमेल भी हम कर सकते हैं अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमें ये पॉलिसी डाउनलोड करनी है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम डाउनलोड पर क्लिक, लेकिन ये कह रहा है कि पहले पॉलिसी तो सेलेक्ट करो, तो इस पॉलिसी को हम सेलेक्ट करते हैं। दोबारा से हम डाउनलोड पॉलिसी कॉपी पे क्लिक करेंगे। अभी एक और इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि गाड़ी के आखिरी के चार डिजिट यहाँ पे डालने होंगे, वो हम डाल देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी के चार डिजिट। वो जैसे ही हम डालने के बाद हमें क्लिक करना है सबमिट। सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए पॉलिसी कॉपी डाउनलोड हो गई है। चेक कर लेते हैं, बैकड्रॉप में जाएंगे, ये देखिए पॉलिसी कॉपी डाउनलोड हो गई है। ओपन करेंगे, ये आपके HDFC अर्गो की इंश्योरेंस पॉलिसी डाउनलोड हो चुकी है। दोबारा से HDFC के पोर्टल पे जाएंगे, हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ईमेल पॉलिसी कॉपी पे क्लिक करेंगे, दोबारा से वही तीन ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे सामने। अब की बार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से देखते हैं कैसे आप अपनी पॉलिसी डाउनलोड करेंगे। तो पहले मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद बॉक्स के अंदर आपसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जो आपने पॉलिसी में दे रखा है, तो वो हम एंटर करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये OTP इन्होंने भेज दिया है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे, वहां से आप OTP लेके OTP इसके अंदर एंटर करेंगे और क्लिक करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई जैसे ही आपका OTP हो जाता है तो आपके जो भी रजिस्टर्ड नंबर से पॉलिसीज हैं वो सारी आपको यहाँ पे दिखा देगा। ग्रीन वाली पॉलिसीज एक्टिव है, रेड वाली पॉलिसी एक्सपायर्ड है, तो इनमें से जो भी पॉलिसी आपको डाउनलोड करनी है वो आपको पहले चूज करनी होगी। और जो भी पॉलिसी आप चूज़ करते हैं उसको पहले सेलेक्ट करना होगा। तो मान लो एक पॉलिसी हमें चाहिए है तो वो वाली हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे दो ऑप्शन हैं अभी डाउनलोड के और ईमेल पॉलिसी कॉपी के। डाउनलोड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी के चार डिजिट चाहिएंगे लेकिन मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैं ईमेल पॉलिसी कॉपी पे क्लिक कर देता हूं। ये देखिए पॉलिसी मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ चुकी है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। ईमेल आईडी मैं ओपन कर लेता हूं और ये देखिए HDFC की पॉलिसी मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ चुकी है। अगर आपको आपके पास गाड़ी के आखिरी के चार रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल्स है तो वो आप वहाँ पे डाल के पॉलिसी तुरंत डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब दोबारा से HDFC के पोर्टल पे आ जाते हैं, हेल्प वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ईमेल पॉलिसी कॉपी पे क्लिक करेंगे, दोबारा से वही तीन ऑप्शन आपके पास दिखाई दे देंगे। दो तरीके हम सीख चुके हैं, अब ईमेल आईडी से देखते हैं कैसे आप पॉलिसी डाउनलोड करेंगे। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। OTP आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आएगा, वो आपको डाल के वेरीफाई कर देना है। जैसे आपका OTP वेरीफाई होगा इस ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड जो भी पॉलिसीज हैं वो यहाँ पे सारी शो कर देगा। तो यहाँ पे जो भी पॉलिसी आपको चाहिए है आप ईमेल पे मंगवाना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो सबसे नीचे ऑप्शन आपको देखेगा ईमेल पॉलिसी कॉपी वो आप वहाँ पे भेज सकते हैं। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्हीकल नंबर आखिरी के चार डिजिट डाल के आप डाउनलोड भी कर सकते हैं लेकिन मेरे पास वो नहीं है इसलिए मैं ईमेल पॉलिसी कॉपी करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ये पॉलिसी मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो मैंने यहाँ पे एंटर की थी उस पे आ जाएगी। ये देखिए कह रहे हैं सक्सेसफुली ये पॉलिसी उन्होंने हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दी है, वहाँ से हम चेक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ही तरीके हमने जान लिए हैं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और पॉलिसी नंबर से कैसे आप HDFC की पॉलिसी डाउनलोड करेंगे। अब HDFC अर्गो की पॉलिसी व्हाट्सएप से भी डाउनलोड करना सीख ही लेते हैं। सबसे पहले HDFC अर्गो का व्हाट्सएप सर्विस का नंबर सेव कर लेते हैं, ये नंबर है 8169500500। ये आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में सेव करना है जो आपने पॉलिसी में दे रखा है। उसके बाद वापस से इनके चैट बॉक्स में आ जाएंगे, यहाँ पे हमें टाइप करना है हाय।
हाय लिख के हम इन्हें भेजते हैं, मैसेज हमने सेंड किया, वापस से इनका जवाब आता है कि आपको क्या सर्विस चाहिए, वो आप नीचे दिए गए मेन्यू में से चूज कर लेते हैं। तो मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट चाहिए पहला ही ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे दिया गया ऑप्शन सेंड का है, सेंड कर देंगे। उसके बाद ये फर्दर पूछते हैं कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या सर्विस आपको चाहिए, वो आप नीचे दिए गए मेन्यू से चूज कर सकते हैं। तो मेन्यू पे दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है पॉलिसी कॉपी, यही तो हमें चाहिए है पॉलिसी की पीडीएफ, इसको टिक करके हम सेंड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम भेजेंगे, मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो भी पॉलिसीज हैं वो सारा डेटा यहाँ पे ये निकाल के दिखा देता है। अब इनमें से जो भी पॉलिसी मेरे को चाहिए वो मैं चूज करूँगा, मान लो ये वाली पॉलिसी मेरे को चाहिए है, इसके लिए क्या होगा, मेरे को इसका सीरियल नंबर जो है जो 2 है यानी दूसरे नंबर की पॉलिसी है वो इनको आंसर के रूप में लिख के भेजना होगा। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 2 और मैंने इनको सेंड किया तो ये समझ गए कि दूसरे नंबर की जो पॉलिसी है वो मेरे को चाहिए है। तो ये इन्होंने कहा कि हम चेक कर रहे हैं आपकी पॉलिसी की डिटेल्स और ये देखिए पॉलिसी कॉपी इन्होंने भेज भी दी है। बिल्कुल आसान और फटाफट से आपकी पॉलिसी आपको यहाँ से मिल सकती है सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे एंड चैट, यानी हमारा काम बन गया है, पॉलिसी हमें चाहिए तो मिल गई है, चैट खत्म हो गई और इस तरह से आप व्हाट्सएप से ये पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई अब आपने सीख लिया है कैसे डाउनलोड करनी है HDFC ERGO की इंश्योरेंस पॉलिसी। 2-3 तरीके आपने जान लिए हैं, टेक्निकल एरर की वजह से हो सकता है कोई एक तरीका काम ना करे, सब पॉलिसीज़ के लिए अलग अलग तरीका काम कर सकता है। तो एक जगह अगर कोई एरर आ जाता है, सर्वर आपको पॉलिसी नहीं देता है, तो आप दूसरा तरीका ट्राई कर सकते हैं। अब क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें AI बेस्ड हैं, यानी कि अपने आप सॉफ्टवेयर काम करता है, पीछे कोई इंसान नहीं बैठा होता जो आपको पॉलिसी भेजता है, तो टेक्निकल एरर आना बिल्कुल आम बात है। अगर आपकी पॉलिसी यहाँ भी डाउनलोड नहीं होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको कोई और रास्ता भी इसके लिए बता दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, काम तो ये आपके आएगी ही है मुझे पहले से ही पता है, तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूँ इजाज़त, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।